डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकृति आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक लेकर आई हूं। डेफिनिट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन सीबीएसई जरूर पूछती है और उसमें दो टॉपिक हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई, जिसके बीच में और दिया हुआ होता है। अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप इस टॉपिक के थ्रू जाते हैं तो सिर्फ दो क्वेश्चन ही काफी हैं। आज मैं इतने जबरदस्त तरीके से आपको ये टॉपिक सिखाने जा रही हूं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते, आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से कभी छूट ही नहीं सकता। मैं सिर्फ दो क्वेश्चन बताऊंगी, इस दो क्वेश्चन को पढ़कर 6 मार्क्स आप बोर्ड में अश्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने दो ही क्वेश्चन लिया, दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ। इवेलुएट दिस वन एज ए लिमिट ऑफ सम, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा एज ए लिमिट ऑफ सम, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने सीबीएसई 2009 क्वेश्चन लिया है और ये लास्ट ईयर का सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन। इवेलुएट दिस वन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये दो क्वेश्चन आज मैं आपको सिखा के रहूंगी, सिर्फ आप मेरे साथ 20 मिनट तक बने रहिए। इस टॉपिक को कवर करने के लिए कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है जो मैंने यहां लिख रखा है। वन को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, वन को 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 10 टाइम्स जोड़ेंगे तो 10 आएगा, n टाइम्स जोड़ेंगे तो n आएगा। ये दोनों सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूले हैं। 1, 2, 3 एन माइनस 1 तक जाएगा तो ऐसा होगा, स्क्वायर अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लिमिट की प्रॉपर्टी है e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, वेयर x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में x के जगह h यूज हुआ है, इसलिए मैंने h लिख दिया है। एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, जीपी के इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर n ऐसा होता है, जहां a हमारा फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो। इस पूरे चैप्टर के लिए ये अकेला फॉर्मूला काम आता है, इसे एक फॉर्मूले पे पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। मुझसे ये इंटीग्रेट करने को बोला जाएगा, ए होगा लोअर लिमिट, जो नीचे लिखा होगा मैं ए मान लूंगी, जो ऊपर लिखा होगा मैं बी मान लूंगी, और एफएक्स जो यहां दिया हुआ है, ये एफएक्स मैं ये 3 टर्म कैलकुलेट करूंगी और यहां रिप्लेस कर दूंगी। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको बताऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कंपेयर करिएगा, ए के जगह पे 1 लिखा है, हियर ए इक्वल्स टू 1, क्या ये ऊपर तक दिखाई पड़ रहा है? ए इक्वल्स टू 1, अपर लिमिट बी है, बी इक्वल्स टू 3। अगला फॉर्मूला है एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब मैं एफ एक्स की वैल्यू कंपेयर कर ले, यहां एफ एक्स की वैल्यू दिस वन 2x² + 3। अब मुझे 3 डेटा निकालना है, एफ ए, ए प्लस एच और ए प्लस 2h। मैं कैलकुलेट करके रख लेती हूं, एफ ए, ए के जगह 1 है, एफ ए प्लस एच, ए के जगह 1 प्लस एच। एक्स के जगह 1 रखना है,
x के जगह 1 रख लें, x के जगह 1, 2 plus 3, 5 आ गया, x के जगह 1 plus h रख लें, 2 into 1 plus h, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, अब अच्छे से देखें, 2h स्क्वायर, 2 2 जा 4h, 2 plus 3, 5 हो गया। अब हम लोग तीसरा टर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं, f of a plus 2h, a plus 2h की वैल्यू, a means 1 plus 2h, x के जगह ये है, ब्रैकेट में x है, ब्रैकेट में ये, मैं इस x के जगह पूरा का पूरा रखने जा रही हूँ, 1 plus 2h का whole square plus 3, simplify, a का square, b का square, 2ab, 2 2's are 4h plus 3, 2 4's are 8h square, 2 4's are 8h, 2 into 1 plus 3, मैंने ये तीनों term कैलकुलेट करके रख लिया है, अब मैं मुझे यहां सिर्फ वैल्यू पुट करना रह गया है, मैं वैल्यू पुट करके बताती हूं, हमारा मेन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा नीचे लिखती हूं, 1 2 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, पहला लाइन में पूरा फॉर्मूला लिखूंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a मतलब 1, a के जगह 1, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h, अब मैं डॉट डॉट कर लूंगी और ये इन टर्म्स तक जाएगा, हो गया। अब हम लोग इस, यहां तक दिख रहा है ऊपर पूरा, अब हम लोग तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 की वैल्यू क्या पुट है, 5, 1 प्लस h क्या है, 2h स्क्वायर, 4h प्लस 5, 1 प्लस 2h की वैल्यू क्या है, 8h स्क्वायर प्लस 8h plus 5, ऐसे in terms, dear student, यहां तक तो आप कर लेंगे, यहां के बाद confusion शुरू हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा कि यहां के बाद कैसे operate करते हैं, 5 पहले term में भी है, दूसरे bracket में भी है, तीसरे bracket में भी है, total n bracket है, 5 plus 5 plus 5 तीन बार नहीं है, n बार, पहले constant collect किया, अब मैं h को collect करूंगी, पहले bracket में h नहीं है, दूसरे में 4h है, 8h है, h के power 1 को collect कर रही हूं, इस बार n term नहीं होगा, पहले में h नहीं है, इसलिए n में से एक term कम में होगा, और अब n minus 1 का collection होगा, sorry, h square, पहले constant को collect किया, फिर h की power 1 वाले term को collect किया, अब मैं h square वाले को collect करूंगी, ये हो गया 2h square, ये हो गया 8h square, और अब ये पहले term में नहीं है h square, इसलिए n minus 1 terms होंगे, अब क्या करना है, देख लें, limit h tends to 0, मैंने बताया था ना, 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, 5 5 5 को n बार जोड़ेंगे तो 5 n आएगा, इनमें से ऐसा क्या common लूं कि 1 बचे, 4h common ले लेती हूं, 1 2 3 n minus 1, इनमें से क्या कॉमन लूं कि यहां 1 बचे, तो 2h स्क्वायर कॉमन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर, यानी हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब तो हमारे फॉर्मूले पे आ चुका है, जब भी h कॉमन लेंगे पहला फॉर्मूला आएगा, x स्क्वायर कॉमन लेंगे दूसरा फॉर्मूला आएगा। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं यहां h, बाहर वाले h को मैं अंदर कर देती हूं, ये h और ये n nh, ये h और ये h h स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता था n इंटू एन माइनस वन बाई टू, टू एच स्क्वायर और ये h मिलके 2h क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता था n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाई सिक्स। अब आखिरी काम, हम लोग सिर्फ h को जानते हैं 0 और nh को जानते हैं 2। अब आखिरी काम मेन काम है जहां बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत है, जितने n है, क्योंकि n को हम नहीं जानते हैं, हम लोग nh को जानते हैं, जितने n है उतने ही h है, एक n एक h, दो n तो दो h, तीन n तो तीन h। ज्यादा अच्छे क्लियर के लिए मैं इसे मिटा देती हूं, मैं दोबारा लिख लूंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं क्या कर रही हूं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रही हूं, ये nh है जिसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, ये 4, ये 2h है और 2n है, एक h को इस n के साथ स्टिक कर दी, एक h को इस ब्रैकेट में कर देती हूं, nh माइनस h बाई 2 हो गया। h तीन बार है, क्यूब है, मैं क्या कर रही हूं 2 से इसको कट कर दी, यहां भी तो कट कर सकती थी, कैरी करने से क्या फायदा, 3h है 3n है, एक h इस n में दे दी मैं, एक h इस ब्रैकेट में डाल दी nh माइनस h, और एक h मैं इस ब्रैकेट में डाल दी, हो गया। अब nh के जगह 2 पुट कर दें, पुट nh के जगह 2 एंड h के जगह 0, क्योंकि h के जगह 0 पुट कर दूंगी इसलिए लिमिट नहीं लिखूंगी, nh की वैल्यू 2, nh की वैल्यू 2, 2 माइनस 0, nh की वैल्यू 2, 2 माइनस 0, 2 टू जा 4 माइनस 0 अपॉन 3, क्या आ गया फाइनली 5 टू जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 18 गुने 3, 54 प्लस 6, 7, 10, 70 बटे 3, फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोग इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, हमारा ये सर, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत समय दिया, 5 मिनट दिया है मैंने, और बोर्ड में ये 6 मार्क्स का आता है, मेरा ये क्वेश्चन सही है या नहीं जानने के लिए, जो आंसर आया वो परफेक्ट आया या नहीं, 6 में 6 मिलेगा या नहीं, इसके लिए वेरीफाई जरूर करूंगी, मैं यहां वेरीफाई करने जा रही हूं, ध्यान दें, ये एग्जाम में जरूरी नहीं है, रफ है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए वेरीफाई कर रही हूं। हमारा क्वेश्चन था 1 से 3 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2 बटे 3 बाहर, x क्यूब में 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 26 गुने 2 52 बटे 3, 3 2 जा 6, 52 प्लस 18 बाय 3, 70 बाय 3 मैच कर गया, इसका मतलब हम लोग जीत गए, हमें 6 में से 6 मार्क्स मिल गया। डियर स्टूडेंट, अब मैं सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन और बताऊंगी जो सीबीएसई इस साल 2018 में पूछी है, उसमें कुछ यूनिकनेस है, एक्सपोनेंशियल वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए।
हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इवेलुएट दिस वन एज ए लिमिट ऑफ सम. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में पूछी है. इस एक्सपोनेंशियल की वजह से ये इंपॉर्टेंट. ऐसा सीबीएसई पहले कभी नहीं पूछी थी, लेकिन एनसीईआरटी में दिया था इसलिए पूछे जाने की उम्मीद थी. लोअर लिमिट को ए बोलते हैं, वन हो गया. अपर लिमिट को बी बोलते हैं. एनएच का फॉर्मूला बी माइनस ए, थ्री माइनस वन टू आ गया. एफ एक्स की वैल्यू ये होती है. अब मुझे तीन डेटा चाहिए, एफ ए, ए प्लस एच और ए प्लस टू एच. एफ ए ए के जगह वन, एक्स के जगह वन रख लें. क्या आ गया रिजल्ट? वन प्लस थ्री, फोर प्लस ई. अब आगे देखें, ए प्लस एच, वन प्लस एच क्या होगा? एक्स के जगह पर वन प्लस एच रखें, एक्स के जगह पर वन प्लस एच रखें, एक्स के जगह पर वन प्लस एच रखें और एक्स के जगह पर वन प्लस एच रखें. कैलकुलेट कर रही हूं, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, टू ए बी, थ्री वन जा थ्री, थ्री एच, ई की पावर दिस वन. वन प्लस थ्री फोर, एच स्क्वायर टू एच, ई की पावर वन प्लस एच. हमारा तीसरा मुझे जो कैलकुलेट करना है, ए प्लस टू एच, वन प्लस टू एच. एक्स के जगह क्या रख दूं? वन प्लस टू एच रख देती हूं. वन प्लस टू एच का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू एच, ई टू दी पावर वन प्लस टू एच. ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, टू ए बी, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स एच, ई की पावर दिस वन. कैलकुलेट कर ले, वन प्लस थ्री फोर, फोर एच स्क्वायर, सिक्स प्लस फोर टेन एच, ई की पावर वन प्लस टू एच. तीनों टर्म कैलकुलेट हो गया. इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया. ए की वैल्यू वन थी, यहां वन डाल दिया. अब तीनों वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट कर रखी है हमें पुट करना है. एफ वन की वैल्यू है फोर प्लस ई, वन प्लस एच की वैल्यू है फोर प्लस एच स्क्वायर फाइव एच, ई की पावर वन प्लस एच, और वन प्लस टू एच की वैल्यू है फोर प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस टेन एच प्लस ई की पावर वन प्लस टू एच, और ऐसे ऐसे इन टर्म्स होंगे. अब हम लोग कलेक्शन शुरू करते हैं. सबसे पहले फोर को करूंगी मैं, फोर फोर फोर, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, तीसरे ब्रैकेट में, टोटल एन ब्रैकेट में. फोर को एन बार जोड़ेंगे तो फोर एन आ जाएगा. अब फोर 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 हो गया. अब एच की पावर वन को कलेक्ट करना है. एच की पावर वन, एच की पावर वन, तो फाइव एच टेन एच. अब कितने टर्म में? पहले में एच है ही नहीं, दूसरे में एच है और तीसरे में एच है. यानी पहले में नहीं है इसलिए एन टर्म ना होके एन माइनस वन टर्म होगा. अब एच स्क्वायर को कलेक्शन करूंगी. एच स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में, फोर एच स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट में. अब क्योंकि पहले में एच स्क्वायर नहीं है इसलिए एन माइनस वन टर्म्स होंगे. एक और टर्म इस क्वेश्चन में है, एक्सपोनेंशियल. पहले में है ई, दूसरे में है ई की पावर वन प्लस एच, तीसरे में है ई की पावर वन प्लस टू एच. क्योंकि ये पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, टोटल एन टर्म है इसलिए एन टर्म में होगा. अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये फोर एन. फाइव एच कॉमन ले रही हूं, वन टू थ्री, एन माइनस वन बचा.
इसमें मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले रही हूं, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, एन माइनस वन का स्क्वायर बचा, प्लस इसमें से ई की पावर वन, ई की पावर वन, ई की पावर वन कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये ई है, इसे मैं ऐसा लिख सकती हूं, इसे ऐसा लिख सकती हूं, टोटल इन टर्म्स होंगे। अब आखिरी का, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ये फोर एन प्लस फाइव एच, वन से लेके एन माइनस वन का फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये एच स्क्वायर, और इस शायद इधर ना दिखे, मैं नीचे लिख देती हूं, एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाई सिक्स, यहां तक दिख रहा, प्लस अब एक्सपोनेंशियल में आपको याद है जब मैं थ्योरी बता रही थी स्टार्टिंग में, तो मैं जीपी का फॉर्मूला बताई थी, e टू दी पावर वन, यही तो मेन है, e टू दी पावर वन कॉमन ले लूंगी, यहां से वन, यहां से e की पावर h, e की पावर टू h, और ऐसा इन टर्म्स बचेगा। अब हम लोग और जो बच गया वो करने जा रहे हैं, बाहर वाले h को अंदर, फोर एन एच, ये वाले एच को अंदर, फाइव एच स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये वाला एच अंदर, एच क्यूब एन इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन बाई सिक्स, प्लस ई कॉमन। अब जीपी का क्या फॉर्मूला था, ए यानी फर्स्ट टर्म इंटू आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होगा, यहां चाहे तो आप ब्रैकेट में मैं लिख दूं, ए फर्स्ट टर्म वन कॉमन रेशियो टी टू बाई टी वन सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो ए इंटू कॉमन रेशियो ये रहा की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो गया। बाहर वाला एच अंदर भी मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये ऐसा हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार और बता दूं, ई कॉमन, बाहर वाला एच अंदर आ गया, जीपी का समेशन होता है ए फर्स्ट टर्म, आर की पावर एन, आर ये है इसकी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब और अगले स्टेप पे चलते हैं, 4NH, सारे एच को एन में एडजस्ट कर दूं, 5 बाई टू, एक एच इस एन के साथ, एक एच इस अंदर वाले एन के साथ, प्लस 3H 3N एडजस्ट कर रही हूं, एक एच इस एन के साथ, एक एच इस एन के साथ, और एक एच इस एन के साथ, डिवाइडेड बाई सिक्स, और लास्ट इस एच को नीचे भेज देती हूं, ई इंटू ई की पावर एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर एच माइनस वन, ये वाला एच मैं नीचे भेज दे रही हूं, एच मैंने क्यों किया ऐसा आप देखिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ गया इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। अब आप देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब तो मैं पुट कर देती हूं सीधे सीधे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फोर एन एच की वैल्यू क्या थी, थ्री माइनस वन यानी टू, फाइव बाई टू एन एच की वैल्यू टू, एन एच की वैल्यू टू माइनस जीरो। अब और आगे बढ़ते हैं, स्पेस अच्छे से बना लेती हूं, प्लस इस
NH की वैल्यू 2, 2 माइनस 0, 2 2 जा 4 माइनस 0 बाय 6। अब लास्ट इसी के लिए मैंने लिमिट रखी हुई थी अभी तक, E इनटू NH की वैल्यू 2 और यही लिमिट यहां कॉपी होगा E टू दी पावर H माइनस। जब मैं शुरुआत में थ्योरी बता रही थी तो मैं बताई थी कि ये पूरा प्रॉपर्टी है वन होता है। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, एक मिनट, यहां इनटू था, ये इनटू था, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 बाय 3, e इनटू e स्क्वायर माइनस 1, 10 8 18 गुने 3, 54 प्लस 8, 62 बाय 3, आ गया हमारा फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम दिखने में बहुत लेंदी है, लेकिन पढ़ना भी तो कम पड़ा ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले, आप सीबीएसई में 6 मार्क्स डन करके आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं आप एज ए लिमिट ऑफ सम सीख चुके होंगे। लास्ट में मैं बोल दे रही हूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड आइकॉन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।